हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे कैंडिड दिव्य भारती हिंदी पाठ पुस्तक भाग 3 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रार्थना की बुक रीडिंग। प्रार्थना में हमने बच्चों के बारे में बताया गया है। हम बालक हैं भोले भाले, तुमसे मांगे ये वरदान, सदा रहे हम हंसते गाते, आशीष गुरुजनों का पाते, कृपा प्रभु जब तेरी होती, दुर्गुण सारे दूर हो जाते, सबका सदा भला करें हम, सत्य मार्ग पर सदा चले हम, जहाँ कोई भी दीन दुखे तब, मानव सेवा से नहीं टले हम, दूर बुराई से हमें रखना, लोभ लालच से बचाए रखना, दुख में भी तुम मेरे हृदय में ज्योत प्रेम की जलाए रखना, हम बालक हैं भोले भाले, तुमसे मांगे ये वरदान। आगे हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान, शब्द अर्थ, आशीष आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, कृपा दया, दुर्गुण बुराइयाँ, सत्य मार्ग सच्चा रास्ता, दीन गरीब, हृदय दिल, ज्योत प्रकाश। बच्चे ईश्वर से कौन सा वरदान मांग रहे हैं? बच्चे ईश्वर से सदा हंसते रहने का आशीर्वाद या वरदान मांग रहे हैं। कोई दीन दिखने पर हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। हमें कैसे मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कैसे लोगों की सेवा करनी चाहिए? हमें गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। वरदान, बालक ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं। हृदय, बच्चों का हृदय साफ होता है। प्रेम, माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। बुराई, कमी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबका सदा भला करें हम, सत्य मार्ग पर सदा चलें हम, जहाँ कोई भी दीन दुखे तब, मानव सेवा से नहीं टले हम। पंक्ति के सही अर्थ के सामने टिक लगाएं। दुर्गुण सारे दूर हो जाते हैं, हमारे सभी गुण दूर हो जाते हैं, हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं, हमारी कुछ बुराइयां दूर हो जाती, हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। दुर्गुण मीन्स बुराइयां। ज्योत प्रेम की जलाए रखना, सुख दुख दोनों में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना, केवल सुख में प्रेम का प्रकाश बनाए रखना, केवल दुख में प्रेम का प्रकाश बनाए सक दुख और सुख दोनों में प्रेम का प्रकाश बनाए रख। दीन दुखी, भोले भाले, लोभ लालच, हंसते गाते, हम ईश्वर से मांगते हैं वरदान। हमारे सभी डैश दूर हो जाते हैं दुर्गुण। हम कभी भी असत्य मार्ग पर ना चलें। हमें डैश अच्छाई बुराई से दूर रखना, सभी डैश आज्ञाकारी गुरु और शिष्य। गौरव डैश पर जा रहा था, रास्ते में उसे एक डैश बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने देखा कि वह सड़क पार नहीं कर पा रहा था। उसने बाबा का हाथ पकड़ा, उसने बाबा को सड़क पार करवा दी, बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।